9 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप लोग शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली साबित होते हैं और मानसिक रूप से देखा जाए तो विल पावर आपकी काफी स्ट्रांग होती है, यानी कि फिजिकली और मेंटली आप काफी स्ट्रांग होते हैं, गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। अगर बीमार पड़ते भी हैं तो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। आप लोगों का दिमाग तकनीकी कार्यों में यानी कि टेक्निकल फील्ड में आप महारत हासिल करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। आप लोग सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं, पुलिस या सेना फोर्स में भी शामिल हो सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। हर बात की तह तक पहुंचने की आपकी इस प्रवृत्ति के कारण आप लोग अपराध शाखा में CID इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में भी अच्छा काम करते देखे गए हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, एक राजनेता के रूप में, पॉलिटिशियन, एक फौजी के रूप में, गुप्त स्थानों के अन्वेषण के रूप में आप लोग बेहद सफल रहते हैं। आप लोगों में क्रोध तो काफी होता ही है, अहंकार भी आप में देखने को मिल जाता है। फिर आपको ये लगने लगता है कि आप जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं सिर्फ वही सही है, हर बात में आप अपनी चलाने वाले हो जाते हैं। वैसे आप लोग एक अच्छे डॉक्टर या सर्जन हो सकते हैं। आप लोगों की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं। आप लोगों की लाइफ में ठहराव और शुभ फल तभी मिलना शुरू होता है जब आप खुद से मेहनत करते हैं, खुद से मेहनत करके कमा कर खाते हैं, तभी वो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और लाइफ के सेकेंड चैप्टर में जाकर आप सुखद जीवन जी पाते हैं। आप लोग अगर दूसरों के भरोसे रहकर काम करते हैं तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। आप लोगों को पैसों का लेन देन करते समय अपनी कागजी कार्यवाही पूरी रखनी चाहिए, वरना नुकसान होने का खतरा हो सकता है। आप लोगों को कठिन संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। वैसे आप लोगों को पसंद ही ऐसे काम ज्यादा आते हैं जो काफी जोखिम भरे हों, लड़ाई झगड़े वाले हों, और ऐसे कामों में आप धन भी खूब कमाते हैं। अगर इस बात को नेगेटिव रूप में लिया जाए तो गलत रास्तों से पैसा कमा सकते हैं, और पॉजिटिव रूप में देखें तो सेना में, पुलिस फोर्स में, कमांडोज शत्रुओं पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और उनका दमन भी करते हैं। आप लोगों में एक खासियत और भी है, या तो आप एकदम आलसी होकर पड़े रहते हैं या फिर एकदम एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि जब काम करने पर आते हैं पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, पूरी लगन और डेडिकेशन से करते हैं, हर बात को गंभीरता से लेते हैं, गहराई में जाकर चिंतन करते हैं, चिंतन विचार करके ही उस काम को करते हैं, और जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक चैन से भी नहीं बैठते हैं। लेकिन जब काम पूरा होने के बाद आराम करने पर आते हैं तो आपको अपनी जगह से हिलाना भी मुश्किल पड़ जाता है, तब आप बेहद आलसी हो जाते हैं। आप लोग हर किसी से बात करना, लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोगों के साथ एक दूरी ही बनाकर रखते हैं। काफ़ी समय उन लोगों के साथ बिताने के बाद ही, उनको जांचने परखने के बाद ही आप उनसे दोस्ती कर पाते हैं, इसलिए आपके मित्रों की संख्या भी गिनती भर की होती है। आप लोग सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल लाइफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, इस कारण आपका लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप भी देखने को मिलता है। लाइफ के हर कदम पर अपने आप पर ही आपको डिपेंड रहना पड़ता है, अपनी मेहनत के बल पर ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। 9 जनवरी को जन्मे हैं आप, 9 का अंक मंगल का, मंगल एनर्जी है, जोश है, जुनून है, और जनवरी का महीना मकर राशि यानी कि शनिदेव, अब दोनों ही आपस में शत्रु राशि हैं। शनि को तकनीक में महारत हासिल है तो मंगल को उस काम को करने की, शनि का रंग काला है तो मंगल का लाल, दोनों को मिलाया जाए तो कत्थी रंग बन गया। अब शनि जमा हुआ ठंडा पदार्थ है तो मंगल गर्म और तीखा, मंगल जितना एनर्जेटिक है शनि उतना ही आलसी है, इसलिए इन दोनों का मिलन ही विध्वंसक बोला गया है। ऐसा व्यक्ति हताश निराश होने पर डिप्रेशन की स्थिति में, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसा व्यक्ति का पूरा जीवन उथल पुथल भरा रहता है, हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति में रहता है। विवाहित जीवन में भी काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, रिश्ता पक्का होने पर टूट जाना, विवाह देर से होना, विवाहित जीवन अशांत उथल पुथल भरा रहना, यहाँ तक कि विवाह विच्छेद की स्थिति बन जाना। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा अहंकारी हो सकता है, किसी की भी बात ना सुनने वाला होता है, जिस कारण अपने जीवन में उठपटांग निर्णय लेकर अपने जीवन को ही व्यर्थ कर देता है। शनि और मंगल, एक फास्ट एनर्जी है तो दूसरी स्लो, एक बिना सोचे समझे कार्य करने में जल्दबाजी करता है तो दूसरा काफ़ी सोच समझकर काम करता है, किंतु दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रह हैं। कुंडली में अगर इनकी स्थिति खराब हो गई या अशुभ स्थिति हुई तो बेहद खराब रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, और अगर शुभ और मजबूत स्थिति में हुए तो व्यक्ति को जीवन के सारे सुख भी दे डालते हैं। दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं, इसलिए दोनों ग्रह कितने भी शुभ स्थिति में क्यों ना हो, एक लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता देते हैं। मंगल आग है और शनि हवा,
हवा आग को और भड़काता है, यानी कि मंगल की क्रूरता में शनि वृद्धि कर देता है, इसलिए खराब रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर इस जलती आग पर पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है, खतरा टल जाता है। यानी कि अगर गुरु बृहस्पति इन पर शुभ दृष्टि डाल दें अपनी तो अशुभ प्रभाव नहीं पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बिजली, गैस, आग, तेज धारदार छुरी, चाकू से विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। आप लोगों को रक्तदान करते रहना चाहिए, हमेशा बजरंगबली की शरण में रहें। और अगर कुंडली में दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट की बात करें तो ऐसे व्यक्ति अच्छी समझ बूझ रखने वाला होगा, जोखिम लेकर बहादुरी के साथ काम करने वाला होगा और उन्हीं काम से धन भी खूब कमाएगा, जिसका मैं डिटेल में पहले ही वर्णन कर चुकी हूँ। आप लोग अपनी उम्र से काफ़ी छोटे दिखते हैं, अपने भाई बंधुओं से भी आपको पूरा सहयोग मिलता है, जुडिशरी लाइन में भी आप काफ़ी सफल रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल की स्थिति है तो अपनी कुंडली में चेक करें कि मंगल अशुभ है या फिर शनि। मंगल अशुभ है तो मंगल के उपाय करें और शनि अशुभ है तो शनि के उपाय करें, और अगर दोनों ही अशुभ हैं तो दोनों के उपाय करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 9 जनवरी को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक गहराई से। 9 जनवरी को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मकर, यानी कि कैप्रिकॉन। सूर्य राशि हमारे सोशल स्टेटस को दर्शाता है, हमारा नेम फेम, हमारे समाज में कैसा रहेगा, हमारा रुतबा कैसा रहेगा, वो सब हम सूर्य राशि से जान सकते हैं। यहाँ आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी नंबर को माइंड में रखकर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। 9 जनवरी को जन्मे स्टूडेंट्स मकर राशि के शनि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करें, तभी वो अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, डेस्टिनी को नहीं। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 2 और 3। 1 का अंक सूर्य, 2 का अंक चंद्रमा और 3 का अंक गुरु। आपके समान अंक हैं शुक्र और केतु, यानी कि 6 का अंक शुक्र और 7 का अंक केतु। आपके शत्रु अंक हैं 4, 5 और 8। 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध और 8 का अंक शनिदेव। आपके लिए शुभ तिथि होती है 9, 18 और 27 तारीख। शुभ दिन है मंगलवार और गुरुवार, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होते हैं लाल और गुलाबी के सभी शेड्स, लाल, गुलाबी, मैरून, नारंगी, इनके जितना हो सके लाइट शेड्स इस्तेमाल कीजिए, डार्क रंगों को अवॉइड करें। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और घनिष्ठ देखी गई है जो आपके टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर, 21 दिसंबर से 27 जनवरी और 21 अप्रैल से 27 मई के मध्य जन्मे लोगों के बीच। और इस बीच में अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 पड़ता है तो सोने पे सुहागा। आप लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कुछ समय के लिए विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, वो 21 जून से 27 जुलाई और 21 अगस्त से 27 सितंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच देखा जा सकता है। अगर आप इस समय के बीच में 9, 18 और 27 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो वो भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। आने वाला साल 2023 आप सभी मित्रों के लिए आनंददायी और शुभ फलदायी साबित हो, ऐसी मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी।
जय श्री कृष्ण दोस्तों।